जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जनवरी 2023 के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कर्क राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपने नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वालों के प्रेम संबंधों की बात करते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा का सभी राशियों में गोचर रहेगा पूरे महीने, और पंचम भाव के स्वामी मंगल हैं और पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, और मंगल का जो गोचर है वो जनवरी के महीने में गोचर जो है वृषभ राशि में रहेगा, आय भाव में रहेगा और पूरे महीने यहीं पर रहेगा। तो पंचम भाव में दृष्टि भी रहेगी उनकी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो आय भाव में गोचर पंचम भाव के स्वामी पंचमेश का और दृष्टि उनकी पंचम भाव पर बनी रहेगी, तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुक्र का गोचर अगर देखें तो शुक्र का जो गोचर रहेगा वो 22 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में जाएंगे। इससे पहले शुक्र का गोचर सप्तम भाव में मकर राशि में रहेगा और मकर राशि के स्वामी जो शनि हैं उनका गोचर भी 17 जनवरी तक मकर राशि में ही रहेगा, और 17 जनवरी से वो अष्टम भाव में जाएंगे और स्वराशि के होकर जाएंगे अष्टम भाव में। कुंभ राशि है, वहाँ पर भी शनि ही स्वामी हैं अष्टम भाव के। तो प्रेम संबंधों में आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम की उम्मीद जो है करनी चाहिए, वो 17 जनवरी तक ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और 17 जनवरी के बाद जो परिणाम होंगे वो सामान्य होंगे। और मंगल आपके पंचमेश हैं और उनकी दृष्टि भी है, तो आपको क्रोध और अहम से बचकर चलना होगा। हालांकि देखें तो कर्क राशि वालों को प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, एक दूसरे पर यकीन भी बढ़ेगा और भरोसा ज़्यादा रहेगा, और आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में जो जनवरी का महीना है वो रोमांस से भरपूर रहेगा। तो प्रेम संबंधों में इस महीने आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकात भी करेंगे और उसके साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान भी कर सकते हैं और वहां पर आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही बात की होगी कि आपको क्रोध नहीं करना है। अगर आप क्रोध करते हैं तो फिर ये मुलाकात अच्छी नहीं रहेगी और आपके क्रोध के चलते वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, तो बुध का गोचर अगर हम यहाँ पर देखें तो बुध का गोचर धनु राशि में पूरे महीने रहने वाला है, जो कि तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव में कन्या राशि है, तो धनु राशि में रहेगा, छठे भाव में रहेगा, बारहवें भाव पर दृष्टि भी रहेगी। तो अगर आप किसी को प्रस्ताव देते हैं और किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, या फिर मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय आपको देना होगा, तभी आपकी मित्रता स्वीकार होगी, नहीं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा जनवरी के महीने में, क्योंकि बहुत जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं आपके छोटी मोटी बातों को लेकर। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, और अगर आप धैर्य और संयम के साथ स्पष्टता से अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं और ईमानदारी के साथ आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो वो वाद विवाद समाप्त हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको क्रोध से बचकर रहना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा और अहम से बचना होगा और आपको गलतफहमियों से बचना होगा, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होगा। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो नवम भाव में नवम भाव के स्वामी गुरु का गोचर, जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं, पूरे महीने नवम भाव में ही रहेगा, मीन राशि में ही रहेगा, और उनकी जो दृष्टियां देख लेते हैं तो उनकी जो पंचम दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर रहेगी और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर रहेगी और उनकी जो नवम दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। तो प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए कर्क राशि वालों के लिए ये अच्छा महीना है।
आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपका साथी भी मान सकता है और आपके परिवार वाले भी मान सकते हैं, यानी आप अपने बड़ों को मना सकते हैं। बड़ों को मनाने के लिए ये जनवरी का महीना बहुत अच्छा है और यहाँ पर आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने के लिए बात पक्की कर सकते हैं, इसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये महीना आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। बस जो बातें मैंने आपको बतलाई हैं उनका आपको ध्यान रखकर चलना है। और अगर कोई वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ दिनों से चल रहे हैं और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, तो ध्यान रहे आप उस वाद विवाद को भी समाप्त कर सकते हैं, पूरे महीने कर सकते हैं, अच्छा समय है। लेकिन ज़्यादा अच्छा जो समय है वो 17 जनवरी तक का है, वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका वाद विवाद भी समाप्त हो जाएगा। आप ईमानदारी से प्रयास करें, अगर झूठ बोलकर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं तो बात नहीं बन पाएगी, और अगर कोई ऐसी बातें हुई हैं जो आपने झूठ बोली हैं और उन बातों के चलते आपका वाद विवाद हुआ है, तो उनको आपने स्पष्टता से समझाना होगा, तभी आपका साथी दोबारा से संबंधों में आएगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि हैं, मकर राशि है, और जो कि अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, और सप्तम भाव के स्वामी शनि सप्तमेश का गोचर 17 जनवरी तक सप्तम भाव में ही रहेगा, तो वैवाहिक संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 17 जनवरी से 31 जनवरी तक का जो समय है वहाँ पर आपके सप्तमेश अष्टम भाव में होंगे, तो आप ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंधों में आपके जीवन साथी के साथ 17 जनवरी तक का समय बहुत बेहतर परिणाम दिखाएगा। और 17 जनवरी के बाद का जो समय है वहाँ पर आप ध्यान रखकर चलें कि आपके जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी जल्दी वाद विवाद हो सकते हैं। अगर आपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई टीका टिप्पणी की या फिर ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते वक्त अपनी वाणी पर संयम नहीं रखा, तो आप देखेंगे कि आपको वाद विवाद देखने को मिलेंगे आपके जीवन साथी के साथ। 17 जनवरी तक अगर कोई वाद विवाद है आपके जीवन साथी के साथ और आप उसे सुलझाना चाहते हैं, तो प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें। अगर जिन बातों को लेकर रिश्ते खराब हुए हैं तो आप उनको स्पष्टता से सुलझाएं, तो आपका वाद विवाद समाप्त हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, जनवरी का महीना आपकी तलाश पूरी कर सकता है, यानी कि अगर आपकी बातचीत विवाह को लेकर कहीं चल रही है और बातचीत अटकी हुई है, तो आप वहाँ पर प्रयास करें, आपकी बातचीत बन सकती है, आपकी शादी पक्की हो सकती है, और कोई ना कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है जहाँ आपको मनपसंद साथी मिल सकता है और आपकी साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। तो वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बस ध्यान रखने की बात यह है कि आप 17 जनवरी के बाद अपने साथी से बातचीत करते वक्त थोड़ा सा संयमित रहें, वरना वहाँ पर जल्दी जल्दी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में कर्क राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। और उपाय की बात कर लेते हैं, तो आप शिव भगवान की पूजा उपासना करें, रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें, रोजाना ना कर सकें तो सोमवार को अवश्य करें, और सोमवार को ही कभी कभी दूध भी अर्पित करें, और मंगलवार को श्री हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोजाना कर सकें बहुत बेहतर है, वरना मंगलवार को अवश्य करें, और हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद अर्पित करें, खुद भी ग्रहण करें और लोगों में भी वितरित करें, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।